ये देखें इन्वेक्स XT Pro का मॉडल है UPS का, ये 24 वोल्ट का है। इसको मैंने दो बैटरी के ज़रिए अटैच किया है, एक बैटरी 12 वोल्ट पे काम करती है, तो मैंने इसको सीरीज़ में इस्तेमाल करके इसको 24 वोल्ट पूरे कर दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आपकी उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं आज 99 यूट्यूब चैनल और मैं हूँ अजय। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इन्वेक्स UPS की, जो बाज़ार से आपको मुख्तलिफ वैराइटीज के UPS मिल जाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि इनके आपने इनपुट या फिर आउटपुट कनेक्शन कैसे करने हैं, UPS से बैटरी में कनेक्शन कैसे करने हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। उसको आपको बाज़ार से मुख्तलिफ किस्म के मिल जाएंगे, लेकिन हर एक मतलब क्वालिटी होती है कि आपकी ख्वाहिश ये होती है कि कौन सा हमें कंपनी का लेना चाहिए। तो दोस्तों, मेरे पास XT Pro कंपनी का मॉडल UPS है, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी, जिसमें हमने दो बैटरी फिट की हुई हैं। मैं बिल्कुल भी आपको नज़दीक ले आकर चैनल दिखाता हूँ कि इन्हें कनेक्शन कैसे करने हैं। तो वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखें ताकि आपको हमारी हर बात की समझ आ सके। ये देखें इन्वेक्स XT Pro का मॉडल है UPS का, ये 24 वोल्ट का है। इसको मैंने दो बैटरी के ज़रिए अटैच किया है, एक बैटरी 12 वोल्ट पे काम करती है, तो मैंने इसको सीरीज़ में इस्तेमाल करके इसको 24 वोल्ट पूरे कर दिए हैं। तो दोस्तों, हर UPS में इनपुट और आउटपुट लाजमी होता है कि ये हमारी इनपुट है, ये आउटपुट जा रही है। ये मैंने वाईफाई कनेक्शन से एक तार लैदर ली है, ये हमारे घर के लोड तरफ जा रही है। तो ये आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा UPS चार्ज भी हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये देखें हमारे सेल इस वक्त बैटरी चार्ज कर रहे हैं। तो ये ब्रेकर मैंने इसको इनपुट पे लगाया हुआ है, ये और पावर पर लाग आउटपुट पे लगाया हुआ है कि बैटरी टाइमिंग कम क्यों होती है। ये आप देख रहे हैं बहुत जंग लग गया है इनके जो क्लंप वगैरह होते हैं ये, तो ये भी ख़राब होने से इसकी UPS की बैटरी की टाइमिंग कम हो जाती है। तो आपने इनकी पावर को अच्छी तरह टाइट करके, जो कि अक्सर हमें कमेंट्स में मैसेज आते रहते हैं कि अगर भाई UPS के बारे में हमें डिटेल दें। दोस्तों, UPS में हमेशा इनपुट और आउटपुट इस्तेमाल होते हैं। इनपुट मज़ीद भी आप अगर नहीं समझ आ रहे तो इनके ऊपर लिखा भी हुआ है, ये देखें, ये हमारे तार इनपुट की है और ये दो जो शूज़ लगे हैं ये हमें आउटपुट दे रहा है। यानी ये तार में UPS को चार्ज करने के इस्तेमाल की जाती है और ये हमें लोड देने, हमें लाइट पंखे चलाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये दो तारें आप जो देख रहे हैं ये कनेक्शन बॉक्स में, इसमें एक ये बैटरी की, ये न्यूट्रल है बैटरी की, ये पॉजिटिव है, ये मैंने यहाँ अटैच की हुई है। तो उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर किसी बात की समझ नहीं आ रही तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया।